फैन चल रहा है, अलमारी खुली हुई है, खाना वैसा का वैसा है, खिड़की भी खुली हुई है। मतलब ये जल्दी जल्दी में भागा यहां से, तो जरूर हमारे लिए कुछ छोड़ के गया होगा। चेक करो घर को। ये फोटो मिलेगा। ये सर, ये फोटो तो स्केच मैच होता है, देखिए। मतलब मिलन ही था जो उस बुक लॉन्च में गया था। चेक करो, देखो और क्या मिलता है। सर, सर ये देखिए, चश्मा। वॉचमैन ने भी बताया था ना, गोली चलने के बाद जो आदमी गेट से निकला था उसने यही पहन रखा था, काला कोट, चश्मा और हैट। मतलब सर, बुक लॉन्च में मिलन विक्रांत का खून करने के बाद पहले घर आया, हड़बड़ी में अपना सामान पैक किया और यहाँ से चक्कर हो गया। करेक्ट सर। सर ये डस्टबिन से ये पेपर मिले, सर देखिए जैसे इस पे कोई नक्शा बना हुआ है। नक्शा ही लग रहा है, जोड़ो इसे। ब्लू पर्ल, ब्लू पर्ल, पता लगाओ ये जगह कहां पे है। निखिल, तुम्हें पूरा यकीन है यही वो जगह है? हाँ सर, उस कागज पे जो लैंडमार्क था वही होटल है, और इस होटल के आसपास सिर्फ एक फार्म हाउस है। अंदर कमरे की तलाशी लो। सर, सर ये देखे। सर, सर ये सेटअप तो बिल्कुल वैसा ही सेटअप है जो उस बुक लॉन्च फंक्शन के जैसा था। हाँ? सर इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये कि खूनी काफी अरसे से ये खून करने की प्लानिंग कर रहा था, उसे उस जगह का पूरा लेआउट पता था, उसे ये भी मालूम था कि उस फंक्शन में विक्रांत जी कहां बैठे होंगे। सर ये देखिए, ये गोली बिल्कुल वैसी गोली है जो हमें विक्रांत जी की लाश से मिली थी। हर एक छोटी सी छोटी बात को ध्यान में रखकर उसने कत्ल करने की साजिश रची है। पता नहीं कितने दिनों से अपने इरादों को अंजाम देने में लगा पड़ा था वो। ये टारगेट प्रैक्टिस, ये देखो ये गोलियां।
सीडी प्लेयर, ये म्यूजिक सिस्टम। राजन ने एक थोक मारी और उस मोमबत्ती को बुझा दिया। उस मोमबत्ती के बुझने के बाद उस कमरे में काला घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई। सर लगता है वही सीडी है जो मोबाइल वारदात से गायब हुई थी। ये वही सीडी है और इसी सीडी की मदद से उसने अपना टाइमिंग एकदम परफेक्ट रखा। जैसे ही सीडी में गोली चलने की आवाज आई उसने अपने गन से गोली चला दी। और इस टारगेट को देखो, ये इतने सारे छेद हैं। यानी टाइमिंग परफेक्ट रखने के लिए उसने बहुत प्रैक्टिस की थी, टारगेट प्रैक्टिस। और सर इसीलिए उसने ये पर्दे और खिड़कियां सब बंद करके रखा ताकि जब वो गोली चलाने की प्रैक्टिस करे तो ना उसे कोई सुन सके ना देख सके। निखिल, आसपास जाके पता करो कि ये फार्म हाउस किसका है। शेल, सर जो बात पता चली आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। क्या? सर ये फार्म हाउस विक्रांत जी की वाइफ रेखा के नाम पे है। रेखा? मैं सच कह रही हूँ, मेरे ही फार्म हाउस पर मेरे ही पति के मर्डर की प्लानिंग चल रही थी। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं अपने पति को बचाती नहीं? क्या मैं सीआईडी को इन्फॉर्म नहीं करती? ये फार्म हाउस की चाबी किस किस के पास रहती है? एक चाबी मेरे पास रहती है और दूसरी विक्रांत के पास रहती थी। जब भी उसका मन करता था वो वहां चला जाता था। मैं तो काफी अरसे से फार्म हाउस पर गई नहीं। अच्छा, विक्रांत जी ने कभी आपसे किसी मिलन नाम के आदमी के बारे में कुछ कहा था? नहीं सर, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। क्या आपने हाल फिलहाल विक्रांत जी के बर्ताव में कुछ बदलाव देखा? हाँ, काफी समय से विक्रांत का बर्ताव अजीब सा हो गया था। वो कहाँ जाता है, किससे बात करता है, कभी कुछ नहीं बताता था। सुबह भी जल्दी निकल जाता था और रात को भी देर से लौटता था। तो आपने उनसे पूछा नहीं? बहुत बार पूछा लेकिन उसने तो मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही बंद कर दिया था। जब भी कुछ पूछो बस चुप रहता था। ठीक है रेखा जी, अभी आप जा सकती हैं। जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। सर मुझे तो लगता है ये मिलन ही खूनी है क्योंकि बुक लॉन्च फंक्शन की शाम उसको ही निकलते हुए देखा गया था। हाँ, कहीं से उसने फार्म हाउस की चाबी का इंतजाम किया होगा। वहां पे सीडी के म्यूजिक पे गोली चलाने की प्रैक्टिस की और बुक लॉन्च में जाके विक्रांत जी का खून कर दिया। पर सर हमें ये भी नहीं पता कि मिलन है कहाँ। और ये भी नहीं पता कि वो जर्नलिस्ट अंजलि की मौत का इस केस से क्या लेना देना है। सर, डेक्टाफोन में से जो हमें टेप मिला था वो बुरी तरह से डैमेज था लेकिन अब उसे रिपेयर कर लिया गया है। वेरी गुड, तो डेक्टाफोन लाना जरा। रिमाइंड करो। मेरी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है। मैं मारवे रोड फ्लैट नंबर 5 में मछवारी गली में रहती हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार
फिर फ्लैट नंबर 5 तो फिर से चलो। मेरी जान को खतरा है, मैं मार्वे रोड फ्लैट नंबर 5 में मछुआरी कॉलोनी में रहती हूँ। हाँ सर, तो फ्लैट नंबर 5 मार्वे रोड मछुआरों की कॉलोनी के पास। स्टेप से 2 बातें तो पता चली है, अंजलि की जान को खतरा था और मरने से पहले उसने एड्रेस बताया था फ्लैट नंबर 5 मार्वे रोड मछुआरों की कॉलोनी के पास। देखते हैं कौन रहता है इस एड्रेस में। जी हम सीआईडी से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माफ कीजिए, हमने आपका नाम नहीं पूछा। मृदुला। मृदुला मृदुला जी, आप अकेली रहती हैं? हाँ नहीं, मतलब मेरे पति के साथ शैलेश, लेकिन फिलहाल वो किसी काम के सिलसिले में 3 महीनों के लिए हमारे गांव गए हैं। अच्छा, आप किसी अंजलि को जानती हैं? अंजलि? एक सेकंड, ये है उसकी फोटो। कौन? अंजलि एक पत्रकार थे। जी नहीं, एक्चुअली मैं घर से बाहर सिर्फ सब्जी खरीदने के लिए निकलती हूँ, मैं किसी पत्रकार को नहीं जानती। सब्जी भाजी खरीदने जब घर से बाहर जाती हैं तो शायद आपने कहीं इसे देखा हो, इसके बारे में सुना हो। जी नहीं। हमने आपको डिस्टर्ब किया, शायद आप ना रही थी। जी हाँ। तो फिर आपके बाल इतनी जल्दी कैसे सूख गए? जी वो मैं शैम्पू करने जा ही रही थी तब आप लोग आ गए। अब आप लोग जाएंगे तब मैं कर लूंगी शैम्पू। अच्छा, मतलब आप चाहती हैं कि हम लोग चले जाएं? जी जी नहीं, मगर वो पानी चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग फिर आ जाएंगे। थैंक यू। बोल रही है। वो शैंपू वाली बात तो छोटी थी, जानबूझ के दरवाजा खोलने में देर लगाई, शैंपू का तो सिर्फ बहाना था। लेकिन सर ऐसा किया क्यों होगा इन्होंने? हॉल की दीवार पे एक जगह खाली थी, ऐसा लग रहा था वहाँ पे कोई पेंटिंग लगी थी या कोई फोटो फ्रेम था। मतलब सर अभी हमारे अंदर घुसने से पहले उन्होंने वहाँ से वो फोटो फ्रेम या पेंटिंग हटा दी होगी। तब तो ऐसा ही रहा है। मगर वो ऐसा क्यों करेगी सर? नहीं चाहती होगी कि हम वो फोटो फ्रेम या पेंटिंग देखें। सर ऐसी क्या खास बात होगी उस फोटो फ्रेम या पेंटिंग में? उसी का पता लगाना पूर्वी। चलो जरा पड़ोसियों से मिलते हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, आप यही आसपास रहते हैं? हाँ सर, ये वाला घर मेरा है। हो, आप फिर तो शैलेश जी और मृदुला जी को जानते होंगे? हाँ बहुत अच्छे से। कितना जानते हैं उनके बारे में? उनके बारे में ऐसी कोई बात जो आपको खटकती हो, कुछ अजीब लगता हो उनके बारे में? हाँ सर, एक्चुअली सर वो दोनों वैसे तो बहुत मिलनसार है सर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सर उनका बर्ताव बहुत अजीब सा हो गया सर। अजीब सा मतलब? अचानक हम सबसे बातें करना बंद कर दिया है, सहमे सहमे से रहते हैं सर। तो इसकी वजह नहीं पूछी आपने? पूछा था सर, उन्होंने जवाब नहीं दिया, बात को घुमा दिया सर। अच्छा, इनके घर आना जाना तो होगा आपका? हाँ काफी बार मैं जा चुका हूँ। आई सी, फिर तो आपने इनके हॉल में जो एक तस्वीर है वो तो देखी होगी, वो जो है ना वो बड़ा सा फ्रेम है हॉल में बिल्कुल सामने, वो कौन सी फोटो थी वो? मैरिज वाली सर, मृदुला जी और शैलेश जी की शादी की फोटो है सर, कहीं आप उसी की बात तो नहीं कर रहे? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वही। अच्छा ये शैलेश जी काम कहाँ करते हैं? शॉपिंग मार्केट में सर। कौन से शॉपिंग मार्केट? वो हाँ आर्कलाइन शॉपिंग मार्केट सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। सर दिलाजी ने अगर मृदुला जी और शैलेश जी की शादी की फोटो हमसे क्यों छुपाई? शायद शैलेश की पहचान छुपाने के लिए। आर्कलाइन शॉपिंग मार्केट। वेलकम सर, ये क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए नहीं,
ये पूछिए कि कौन चाहिए। कौन चाहिए? शैलेश, जो यहाँ काम करता है। तो शैलेश, वो तो यहाँ काम करता था, उसने तो नौकरी छोड़ दी। कितना टाइम हुआ उसे काम छोड़े हुए? ये कोई 3 महीने हुए होंगे। 3 महीने? अच्छा, अब इस शैलेश के बारे में कुछ और बता सकते हो आप हमें? शैलेश के बारे में सर जितना कहा जाए उतना कम है। एकदम फर्स्ट क्लास सेल्समैन था सर। कस्टमर से इतनी अच्छी तरीके से बात करता था कि जो कस्टमर टाइम पास करने के लिए भी आते थे वो सामान खरीद लेते थे। जब वो इतना अच्छा सेल्समैन था फिर उसने यहाँ से नौकरी क्यों छोड़ी? सर वो कह रहा था कि कोई बड़ा जैकपॉट लगा है उसे, अब वो खुद की दुकान खोलना चाहता है, तो इस सिलसिले में उसे कुछ टाइम के लिए गाँव जाना पड़ेगा। उसका गाँव कहाँ है कुछ बताया उसने? नो सर, ये तो बताया नहीं सर। अच्छा, उसकी कोई फोटो तो होगी ना तुम्हारे पास? सर ये उसकी फाइल। ये शैलेश पकड़ ले इसे सर। नहीं अभी नहीं, एक और काम करना बाकी है। चलते हैं, जाइए जा रहा है। अमन, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे पैसे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। दे तो दिए पैसे, अब और पैसे कहां से लाऊं? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मुझे ये नहीं मालूम कि तुम्हारा कौन सा बड़ा चक्कर चल रहा है। अरे कोई बड़ा चक्कर नहीं चल रहा है यार, मेरा विश्वास करो। और हाँ, जितने पैसे तय हुए थे वो सब के सब मैं तुम्हें दे चुका हूँ, अब मुझे परेशान करना बंद करो प्लीज। तुम बकवास बंद करो, बहुत हो चुका है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मिलन देखो ये गन, प्लीज ये गन मत चलाना। तुम गोली नहीं चला सकते, हम शांति से बैठकर बात करते हैं ना। अरे तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं तुम्हें दूंगा, मैं वादा करता हूं तुमसे, लेकिन प्लीज ये गन नीचे कर दो। हाँ गन नीचे कर दो। ये बंदूक मुझे बहुत पहले निकाल लेनी चाहिए थी, लेट हो गए। सीआईडी हमेशा ही टाइम से पहुंचती है। हाथ ऊपर कर, हिलना नहीं, गन लाओ। अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, इस पागल आदमी से मुझे बचा लीजिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है अमन, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी जान बचा ली। निखिल हथकड़ी लगाकर हिरासत में ले लो। सर मैंने क्या किया है सर? सर मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे गिरफ्तार मत करिए सर। ये आप क्या कर रहे हैं सर? आप लोग मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? ये ड्रामा बंद करो मिस्टर शैलेश। शैलेश? कौन शैलेश सर? मैं अमन हूं अमन, और ये सारा खेल तो इस मिलन ने खेला है। मैं निर्दोष हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया। इतना भोला बनने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास सबूत है कि तुम्हारा असली नाम अमन नहीं शैलेश है। आर्क लाइन शॉपिंग आर्केड में काम करने वालों के रजिस्टर में तुम्हारा नाम है, समझे? और वहां तुम्हारी फोटो भी है। तो मिस्टर शैलेश अब तुम महान लेखक नहीं रहे। मिलन, विक्रांत जी से तुम कैसे मिले? जब दो पब्लिशर ने मेरी कहानी छापने से इनकार कर दिया तब मैं विक्रांत जी के पास गया। विक्रांत जी को मेरी कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसे नकली नाम से छापेंगे। इसलिए विक्रांत जी ने तुम्हारे उपन्यास को तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि एक नकली लेखक अमन के नाम से छाप दिया। जी, और जब उपन्यास को सराहा गया तो मुझे लगा कि विक्रांत जी मुझे दुनिया के सामने लेकर आएंगे, लेकिन विक्रांत जी को लगा कि दुनिया इस बात को कभी नहीं मानेगी कि मुझ जैसा दिखने वाला साधारण आदमी लेखक हो सकता है। उपन्यास की पब्लिसिटी के लिए उनको स्टाइलिश और आधुनिक चेहरा चाहिए था। और तभी उनकी मुलाकात शैलेश से हुई आर्क लाइन शॉपिंग आर्केड में। हा? और तुम्हारी मीठी जुबान से बहुत इंप्रेस हो गए वो, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा क्यों ना तुम्हें अमन बनाकर
दुनिया के सामने लाया जाए। पैसा और शोहरत पाने का मेरे पास ये सबसे अच्छा मौका था सर, लेकिन विक्रांत जी ने तय किए हुए पैसे मुझे नहीं दिए, इसलिए तुमने मिलन से हाथ मिला लिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए अंजलि नाम की जर्नलिस्ट की मदद ली। मगर शैलेश, तुम्हारा लालच बढ़ा, तुमने अपना प्लान चेंज कर दिया। तुमने सोचा क्यों ना विक्रांत जी को ही मार दो ताकि उनके रॉयल्टी के सारे पैसे तुम्हें मिल जाए। हाँ, और उनको मारने की प्रैक्टिस भी मैं उन्हीं के फार्म हाउस पर किया करता था। और अंजलि को इसलिए मार दिया क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो तुम्हारी सारी असलियत सबके सामने ला देती, है ना? मिलन भी तो तुम्हारी असलियत जानता था, इसको क्यों जिंदा छोड़ दिया? ये कहीं गायब हो गया था। चलो, इतना तो पता चल गया कि तुमने जानबूझकर मिलन को उस रात बुक लॉन्च पर बुलाया और बैकस्टेज के पर्दे में छेद बनाया। ये बताओ, विक्रांत जी पर कैसे गोली चलाई तुमने? मैं गन किताब में छिपा कर लाया था, मैंने स्टेज से ही अंधेरे में उन पर गोली चला दी। चलिए नकली लेखक, असली जेल में सजा काटने का वक्त आ गया है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।